हेलो फ्रेंड, आज मैं दो कलर के डिज़ाइन का पैटर्न लेके आई हूँ, जिसे कैप में या किसी भी स्वेटर में, बड़े या बच्चों किसी भी के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में आप इसे डाल सकते हैं। सभी प्रोजेक्ट के लिए यह बहुत ही अच्छा नमूना है और इसे बनाना भी बहुत आसान है, जिसे मैंने ग्राफ की मदद से बनाया है। आइए इसे हम बनाना देखते हैं। यहाँ पे देखिए, 9 सिलाई हमने पार्ट वन में बना दी थी, अब यहाँ पे हम 10वीं सिलाई बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये हमारा 3 सफ़ेद, 1 नीला और 3 सफ़ेद, उसके बाद 6 डार्क नीला, 2 वाइट बनेगा। फिर ये 6 डार्क नीला, 2 वाइट बनेगा, 6 डार्क नीला, 2 वाइट, ये 3 सफ़ेद। और ये जो पैटर्न बन रहा है, इसी बीच के नीले वाले सीध में बड़े वाले फ्लावर हमारे बनेंगे। यहाँ पे भी देखिए, अब ये 2 हमने वाइट बना दिया, तो ये जो हमारा डिज़ाइन ये बन रहा है, यहाँ से ये 2 वाइट हमारा शुरू हो रहा है। तो ये 6 फंदे डार्क ब्लू और फिर 2 वाइट, फिर यहाँ पे 3 सफ़ेद, 1 नीला, 3 सफ़ेद, फिर यहाँ पे 5-6 डार्क ब्लू है और 2 वाइट है। तो इस तरह से जो है हमारा 10वीं सिलाई कंप्लीट होता है। अब हम 11वीं सिलाई पे आते हैं। रो नंबर 11 में जहाँ पे हमने 2 वाइट एक साथ बनाया, तो उसके ऊपर 2 ब्लू हो गया और साइड साइड में 1 वाइट हमारा बन गया, 1 वाइट 2 ब्लू बन गया ब्लू। फिर ये डायमंड शेप वाला पैटर्न बन रहा था, 1 वाइट 1 ब्लू, 1 वाइट 1 ब्लू और 1 वाइट, ये पैटर्न अब डायमंड शेप का बन रहा है। फिर यहाँ पे हम 2 आ गया, तो ये बीच का ही डायमंड शेप पैटर्न में, और ये 2 ब्लू, 1-1 वाइट साइड साइड में, 2 ब्लू एक साइड, इसके बीच में हमारा ये फ्लावर बनेगा। और इसी तरह से पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे 11, और इसके बाद हम आते हैं रो नंबर 12 में। यहाँ पे देखिए मेरा रो नंबर, ये मेरा रो नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा फ्लावर्स, बड़े लव फ्लावर्स का ये बनना शुरू हो गया है। यहाँ पे 2 वाइट 1 ब्लू, फिर ये साइड का जो कर्व वाला डिज़ाइन है, 2 वाइट 2 ब्लू, 2 वाइट 2 ब्लू, फिर इस तरह से बीच में 5 डार्क ब्लू, फिर 1 वाइट 1 ब्लू, 2 वाइट, फिर 2 ब्लू 2 वाइट। फिर यहाँ पे देखिए, ये नेक्स्ट पैटर्न जो फ्लावर्स का हमारे यहाँ इस डायमंड शेप के ऊपर बनना शुरू हो गया है, और ये जो है इधर साइड का। अब इस तरह से रो नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम रो नंबर 16 पे आते हैं। ये रो नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया। बीच में जो है हमारे 5 वाइट बना है, और यहाँ 1 डार्क ब्लू, फिर 3 वाइट, और फिर ये कर्व वाला डिज़ाइन बन गया है, 1 सफ़ेद 1 नीला 1 सफ़ेद। ये एक पैटर्न ये पूरा हो गया। अब उसके बाद ये नेक्स्ट वाले में ऐसे बना है, ऐसे ही जो है जिस भी प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं जितने, तो हम इसको पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब हम रो नंबर 17 में आते हैं। यहाँ पे देखिए, रो नंबर 17 में 2 वाइट 1 ब्लू, फिर 1 वाइट, फिर 3 ब्लू 4 सफ़ेद, उसके बाद जो है 3 वाइट बनेगा बीच का। यहाँ पे 2 वाइट 1 ब्लू, फिर 1 वाइट, ये कर्व वाला डिज़ाइन बन गया, ये फूल वाला है डिज़ाइन बन रहा है। यहाँ पे 4 सफ़ेद,
एक नीला, बीच के तीन वाइट हो गया, फिर उसके बाद एक नीला, फिर चार सफ़ेद, उसके बाद यहाँ पे तीन ब्लू बन जाएगा। ये मेरा एक पैटर्न बन गया, यहाँ पे चार वाइट बना, फिर तीन ब्लू, फिर एक वाइट, एक ब्लू, एक वाइट, फिर दो वाइट बन गया। उसके बाद जो है ये मेरा इसी तरह से यहाँ पे भी हमारा बन जाएगा, बीच में चार सफ़ेद, एक नीला, तीन सफ़ेद, एक नीला, फिर चार सफ़ेद, फिर यहाँ हमारा दो नीला, एक सफ़ेद, फिर एक दो सफ़ेद बन जाएगा। ये मेरा रो नंबर 17 पूरा हो गया। अब हम रो नंबर बैक साइड से 18 पे आते हैं। रो नंबर 18 में दो सफ़ेद, एक नीला, एक सफ़ेद, फिर दो नीला, दो सफ़ेद, एक नीला, फिर दो सफ़ेद, एक नीला, एक सफ़ेद, एक नीला। ये हमारा बीच का सेंटर का आ गया। अब यही फिर से वापस यही सीक्वेंस बन जाएगा, दो सफ़ेद, एक नीला, दो सफ़ेद, फिर यहाँ पे दो नीला बन जाएगा, दो नीला, एक सफ़ेद, एक नीला, दो सफ़ेद। इस आगे से देखिए इस तरह से ही आएगा। अब ऐसे ही हम दूसरा पैटर्न बना लेंगे। ये फिर से वही सीक्वेंस बन जाएगा इसी उससे। यहाँ पे हमारा दो नीला, एक सफ़ेद हो जाएगा, फिर चार, दो सफ़ेद, एक नीला, दो सफ़ेद, फिर एक नीला, एक सफ़ेद, एक नीला। फिर उसी तरह से यहाँ पे बनाया था वही हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। ये मेरा रो नंबर 18 कंप्लीट हो गया। ये दूसरा पैटर्न इस तरह से जितना भी प्रोजेक्टिव फंदे डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो इतना पैटर्न बनता चलेगा ऐसे ही फूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम रो नंबर 19 में आते हैं। ये मेरा रो नंबर 19 बन गया। यहाँ पे जितना इस ये डिज़ाइन कर वाला बन रहा था उसके ऊपर जो है हमारा वाइट बन गया। यहाँ पे एक वाइट, एक वन ब्लू, फिर दो सफ़ेद, दो नीला, दो सफ़ेद। यहाँ बीच का जो सेंटर का था वहाँ सफ़ेद के ऊपर एक नीला आ गया, और फिर यही रिपीट होगा इधर की तरफ, दो सफ़ेद, दो नीला, दो सफ़ेद, एक नीला, एक सफ़ेद। अब ये इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न पे आ जाएंगे। यहाँ तक पूरा ब्लू बन जाएगा, फिर वन वाइट, वन ब्लू, और उसके बाद वही फूल वाला पैटर्न हो जाएगा। इस तरह से मेरा रो नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। हम रो नंबर 20 पे आते हैं। ये रो नंबर 20 हमारा बना है। यहाँ पे एक सफ़ेद, एक नीला, यहाँ एक सफ़ेद कम हो गया, फिर दो सफ़ेद, एक नीला, दो सफ़ेद, ये बीच के नीले पे नीला, फिर दो सफ़ेद, एक नीला, दो सफ़ेद, ये पंखुड़ी वाला पोर्शन बन रहा है, फिर एक नीला, एक सफ़ेद। इसी तरह से अगला पैटर्न पे हम बनाएंगे। ये हमारा हो गया रो नंबर 20। सामने से इस तरह से आएगा। यहाँ पे एक वाइट, वन ब्लू, फिर ये फूल वाला पोर्शन का दो सफ़ेद, एक नीला, दो सफ़ेद, फिर बीच का एक नीला, दो सफ़ेद, एक नीला, दो सफ़ेद, एक ब्लू, वन वाइट, और बाकी सारा ब्लू बन जाएगा। अब हम रो नंबर 21 पे आते हैं। रो नंबर 21 में यहाँ पे देखिए छः हमारा वाइट बन जाएगा, छः वाइट, तीन ब्लू, फिर चार वाइट, चार सफ़ेद बन गया, फिर बीच का सेंटर वाला नीले के ऊपर नीला आ गया, और फिर यहाँ पे इधर चार सफ़ेद बनेगा, फिर तीन ब्लू बनेगा,
और यहाँ पे 6 वाइट हो जाएगा। ये एक पैटर्न का ऐसे ही हम यहाँ इसके इसे यहाँ पे भी बनाएंगे, 6 वाइट 3 ब्लू फिर 4 वाइट फिर 1 ब्लू बीच में फिर 4 वाइट फिर 3 ब्लू फिर 6 वाइट। ये हो गया मेरा रो नंबर 21। बैक साइड से रो नंबर 22 पे आते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये 6 इधर 3 डार्क ब्लू फिर 4 वाइट 1 डार्क ब्लू फिर 4 वाइट 3 डार्क ब्लू फिर 4 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये जो है हमारा बन जाएगा। दूसरे फ्लावर में भी ऐसे बन जाएगा और पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब रो नंबर 22 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए रो नंबर हमारा 22 कंप्लीट हो जाता है। 6 के ऊपर एक इधर खिसक गया, ब्लू आ गया और यहाँ पे ये 3 डार्क ब्लू 3 वाइट बीच का ये एक ब्लू रहेगा फिर 3 वाइट फिर 3 ब्लू फिर ये 6 वाइट रहेगा फिर ये अगला डिज़ाइन शुरू हो गया। तो ये हमारा रो इस तरह से 22 कंप्लीट हो जाता है। और 23 पे आते हैं। ये देखिए रो नंबर 23 में यहाँ हमारा एक वाइट और इधर आ गया, 2 वाइट 2 ब्लू 2 वाइट फिर बीच में 3 ब्लू होगा फिर 2 वाइट आ गया ये वाले पंखुड़ी का पोर्शन फिर बीच का एक ब्लू बन गया फिर 2 वाइट 3 ब्लू हो गया फिर 2 वाइट 2 ब्लू 2 वाइट फिर बाकी बीच के सारे ब्लू बन जाएंगे और अगला पैटर्न बन जाएगा हमारा इसी तरह से। ये हमारा 23 कंप्लीट हो गया। ये नेक्स्ट फ्लावर ऐसे है। अब हम रो नंबर 24 में आते हैं। ये रो नंबर 24 में यहाँ पे हमारा एक वाइट और इधर आके आगे फिर 2 वाइट 2 ब्लू 2 वाइट फिर 3 ब्लू। अब यहाँ पे हमारा पहले 2 था अब एक वाइट आ गया फिर उसी तरह से 3 ब्लू 2 वाइट 2 ब्लू 2 वाइट फिर बाकी ये मेरा एक फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब ये अगला भी इसी तरह से बन जाएगा। अब हम रो नंबर 25 पे आते हैं। ये है मेरा रो नंबर 25। यहाँ पे 3 सफ़ेद इधर बढ़ गया, 1 नीला फिर 6 सफ़ेद 1 2 3 4 5 6 वाइट फिर 3 ब्लू फिर जो एक बीच का सेंटर वाली लाइन नीली के ऊपर एक वाइट बन जाएगा फिर उसके बाद 3 ब्लू 6 वाइट फिर 1 ब्लू और 3 वाइट। ये एक फूल का बन गया पैटर्न का। उसी तरह से यहाँ पे भी हम बना लेंगे। यहाँ पे ये देखिए ये वाइट है, यहाँ पे एक ब्लू हो जाएगा उससे पहले 6 नीला फिर यहाँ पे जो है हमारा फिर यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 6 वाइट बन जाएगा फिर 3 ब्लू बन जाएगा फिर 1 बीच का ब्लू के ऊपर एक वाइट बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ तक 6 हमारा सफ़ेद बन जाएगा फिर 3 नीला और फिर 3 हमारा जो है वाइट बन जाएगा। ये मेरा रो नंबर 25 पूरा होता है। अब हम रो नंबर 26 पे आते हैं। ये हमारा रो नंबर 26 कंप्लीट हो गया। अब रो नंबर 27 में आते हैं। 26 में देखिए यहाँ पे हमारा बीच सेंटर में पहले एक वाइट बना था, अब ये 3 वाइट हो गया। यहाँ पे एक ब्लू और यहाँ पे 6 हमारा वाइट है, एक ब्लू है फिर 3 वाइट है फिर उसी तरह से इधर के साइड में 6 वाइट 1 ब्लू 3 वाइट फिर बीच के ये दूसरा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है हमारा। दूसरा फूल आ गया यहाँ का 3 1 6 1 ब्लू
फिर बीच में सेंटर में जो नीला वाला था वहाँ एक बनाए थे, अब यहाँ पे तीन बन गया। इस तरह से ये पूरा लाइन अप का रो कंप्लीट होता है। अब हम जो है रो नंबर 27 में आते हैं। रो नंबर 20 में हमारा आधा पैटर्न ये फ्लावर बड़े लिप फ्लावर का पूरा हो जाता है। यहाँ पे देखिए तीन वाइट, फिर छः हमारा जो है ब्लू बन गया, फिर दो वाइट एक ब्लू, ये बीच सेंटर का आ गया, फिर छः ब्लू और तीन वाइट। अब इसी तरह से दूसरा फ्लावर हमारा बन जाएगा। रो नंबर 28 में ब्लू के ऊपर वाइट बनेगा और वाइट के ऊपर ब्लू बनेगा। ये इस तरह से मेरा ये हाफ शेड, अभी इसका जस्ट अपोजिट जहाँ पे हमारा ब्लू था वहाँ वाइट बनेगा और वाइट की जगह अब ब्लू बनेगा। और आधा फ्लावर मेरा कंप्लीट हो गया है, आधा मेरा जो है इसका शेड अब हमारा चेंज हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। रो नंबर 29, ये हमारा 28 है, सीधे तरफ से 29 बनेगा। आप चाहे तो इतना हाफ फ्लावर भी बना सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए रो नंबर 29 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें तीन ब्लू एक वाइट, फिर छह ब्लू एक वाइट, फिर बीच का तीन ब्लू बन गया है, फिर एक वाइट, फिर छह ब्लू, फिर एक वाइट, फिर बीच का तीन ब्लू। तो इस तरह से ये एक फ्लावर मेरा अब डार्क वाला लाइट की जगह डार्क और डार्क की जगह लाइट शेड हमारा बनना शुरू हो गया है। अब हम रो नंबर 30 में आते हैं। रो नंबर 30 कंप्लीट होता है। अब हम रो नंबर 31 आते हैं। ये रो नंबर 31 हमारा कंप्लीट होता है। फिर 32 में राइट साइड पे आ जाते हैं। ये नेक्स्ट फ्लावर ये हमारा रो नंबर 32 आ गया। 33 शुरू कर दिए हैं हम यहाँ पे। रो नंबर 33 आइए इसको कंप्लीट करके देखते हैं। ये देखिए हमारा रो नंबर 33 कंप्लीट हो जाता है। अब रो नंबर 34 पे आते हैं। ये मेरा रो नंबर 35 कंप्लीट होता है। और हम अब रो नंबर 36 पे आते हैं। ये 36 कंप्लीट हो गया। अब सीधे साइड में 37 रो पे आते हैं। ये हमारा रो नंबर, यहाँ पे हमारा रो नंबर 37 कंप्लीट होता है। अब हम रो नंबर 38 पे आते हैं। ये रो नंबर हमारा 38 हो गया। अब 39 पे आते हैं। रो नंबर 39 कंप्लीट होता है मेरा। अब रो नंबर 40 पे आते हैं। ये रो नंबर 41 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम रो नंबर 42 में आते हैं। ये देखिए यहाँ मेरा रो नंबर 42 कंप्लीट हो गया। अब रो नंबर हम 43 पे आते हैं। रो नंबर 43 कंप्लीट हो गया। अब रो नंबर 44 पे आते हैं।
44 ये मेरा कंप्लीट होता है और इस तरह से ये फ्लावर बड़ा वाला मेरा पूरा होता है। अब इसके बाद जो है ये वाला डायमंड शेप का डिज़ाइन हमारा स्टार्ट हो गया। अब हम जो 45 बनाएंगे ये रोल नंबर 45 कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने यहाँ डायमंड शेप का डिज़ाइन बनाया था, अब सेम इसी के ऊपर ये पैटर्न हमारा बन जाएगा।